ये है बंसल न्यूज इंटरनेशनल और आप देख रहे हैं BNI12.com। खबरों में जान, हमारी पहचान। चित्रकूट में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशी चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंकने में भी तेजी लाते नजर आ रहे हैं। चित्रकूट की मानिकपुर सीट से दो पूर्व मंत्रियों और दो विधायकों सहित गुलाबी गैंग कमांडर संपत पाल के चुनाव मैदान में होने से यह सीट सभी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है। हमारी टीम लगातार प्रत्याशियों के साथ उनके चुनाव प्रचार के तौर तरीकों और उनके निर्वाचन क्षेत्र की जनता की रिएक्शन जानने के लिए गांव-गांव पहुंच रही है। दिनेश मिश्र ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और प्रदेश प्रभारी पर टिकट बेचने के आरोप लगाते हुए आश्वासन देने के बावजूद टिकट न मिलने पर जब राष्ट्रीय लोक दल का दामन थामा तो रालोद ने उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया और चित्रकूट की मानिकपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार भी घोषित किया। इलाकाई भाजपा सांसद भैरम शाद मिश्र के ये भाई अब बुंदेलखंड में भाजपा को हराने की मुहिम में जुट गए हैं। जिन्होंने हमारे साथ गद्दारी का काम किया, हमारे साथ धोखा किया, भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रत्याशियों का हराने की जिम्मेदारी ये हमारे ऊपर दी गई है कि इनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त करवाने का काम मैं बुंदेलखंड में घूम घूम करके हर जगह जा करके करूंगा। दलालों के माध्यम से टिकट देने का काम किया गया है, उसमें हमें एक भी दिक्कत नहीं होगी कि हम इनके प्रत्याशियों को आसानी से हरा देंगे। भाजपा द्वारा टिकट न दिए जाने से नाराज दिनेश मिश्र ने बगावती तेवर अपनाते हुए जब राष्ट्रीय लोक दल का दामन थाम सियासत के अखाड़े में उतर ताल ठोंकी तभी यह लगने लगा कि ब्राह्मणों के बीच अपनी पैठ रखने वाले दिनेश मिश्र इस सीट से विधायक बनने की चाहत रखने वालों के लिए एक मजबूत चुनौती प्रस्तुत करेंगे। दिनेश मिश्र 2007 के विधानसभा चुनाव में चित्रकूट की करवी विधानसभा से बसपा प्रत्याशी के रूप में विजयी हुए थे। इस दबंग नेता ने मूंछों में ताव देते हुए कहा कि 2007 में नरेंद्र मोदी सहित राष्ट्रीय नेताओं की सभाओं के बावजूद भाजपा प्रत्याशी को सिर्फ 7,000 वोट मिले थे। राष्ट्रीय लोक दल के चुनाव चिन्ह हैंडपंप से चुनाव लड़ रहे इस पूर्व विधायक ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत और दिमाग लगा रखा है। प्रतिष्ठित ब्राह्मणों के साथ निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं दिनेश मिश्र। क्षेत्र की आन बान और शान के लिए मैदान में होने की बात कहे इस विधानसभा को डाकुओं के चहेते प्रत्याशियों से मुक्त कराने को अपनी पहली प्राथमिकता बता रहे हैं। दस्युओं को समर्थन देने वाले यही है यहाँ पर की जो दद्दू प्रसाद जी भी चुनाव लड़ रहे हैं वो दस्यु समर्थित माने जा रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने अपने निजी सचिव को जिताने के लिए एक कोल बिरादी आदिवासी कोल बिरादी जो यहाँ बोला जाता है आदिवासी को जबरदस्ती हराया था। लोगों में जुनून है, वो सब लोग अपना बदला लेना चाहते हैं। यहाँ के लिए वही मान सम्मान स्वाभिमान वही चीज है। दिनेश मिश्र को भरोसा है कि क्षेत्र पंचायत सदस्य ब्लॉक प्रमुख और विधायक के रूप में जनता उनकी सेवा और क्रियाकलापों को देखते हुए उनका समर्थन करेगी। जनता चाह रही है कि इस बार किसी को नहीं, जो अपनी सेवा करने वाला है। मैं ब्लॉक प्रमुख भी यहाँ रह चुका हूँ, मेरे सेवा से सब लोग खुश हैं। इसलिए जनता जो है, मुझे जनता ने ही खड़ा किया है तब मैं मैदान पे आया हूँ। अब यहाँ पर आर के पटेल को तो कोई पसंद ही नहीं करता क्योंकि उसने तो तमाम डकैती अपहरण लूट सब करवाया। मित्र तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मानिकपुर ब्लॉक से जीत हो जाए, जितना वोट मिली बोनस।